अगर कभी आपसे क्वेश्चन देख लीजिए किस फॉर्मेट में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो ये है एक्चुअली के m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, ठीक है, देन m प्लस n टर्म इज जीरो। ये रूल है, अगर m टाइम्स mth टर्म इक्वल होगा n टाइम्स nth टर्म के तो m प्लस n टर्म जीरो होगा। जैसा भी यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई 10 टाइम्स द 10th टर्म इज सेम एज 15 टाइम्स द 15th टर्म, तो 10 प्लस 15, तो 10 प्लस 15 का मतलब है 25th टर्म विल बी जीरो। ये एक रूल होता है, रिजल्ट होता है, एक तरह से आप मान के चलिए। तो आप बस इसको जो है याद रख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा आपकी दो तीन रिजल्ट्स उस तरह के हैं वो याद रख सकते। इसे प्रूव कैसे करेंगे या इक्वल्स कैसे शो करेंगे, तो यहाँ तो नंबर्स में था, नंबर्स की अगर हम बात करें कि भाई 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स 10th टर्म a प्लस 9d, 15 टाइम्स द 15th टर्म तो a प्लस 14d, तो आप कैंसिल करना चाहें तो कर दीजिए, 5 2 जा 5 3 जा, तो आपके पास क्या आएगा 2a प्लस 18d एंड 3a प्लस 14 3 जा 42d, ये पसंद। तो अगर इन सबको एक साइड करेंगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा, a और d की वैल्यू निकालेंगे तब भी आ जाएगा, मतलब 3a माइनस 2a a हो जाएगा और 42 माइनस 18 24 हो जाएगा, तो a प्लस 24d इज इक्वल टू जीरो, ये आंसर आ गया। बस अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि a प्लस 24d क्या होता है? 25th टर्म। वेरी गुड, यही तो, यस, तो यही होता है 25th टर्म, तो 25th टर्म इज इक्वल टू जीरो, बस इतना सा। ठीक है सर, ये हमारे पास, अगर हम इसको उस रिजल्ट में लें, आप उसको भी समझ लीजिए कि वो कैसे होगा। तो अगर हमारे पास ये दिया हुआ है कि m टर्म्स इज m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज सेम एज n टाइम्स द nth टर्म, ये हमें दिया हुआ है और हमसे कह रहा है शो करिए कि m प्लस n टर्म शो करिए या फाइंड करिए क्या होगा, ये हमसे कह रहा है। तो इसको भी ऐसे ही करिए, m टाइम्स द mth टर्म a प्लस m माइनस 1 इनटू d और n टाइम्स द nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ये हम पास मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आ रहा है आपके पास। तो आपके पास आ रहा है am या m इनटू a प्लस m स्क्वायर माइनस m इनटू d n a प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, ये हम पता है। अब यहाँ से भी अगर आप चाहें तो हमारे पास क्या होगा, इन सबको एक साइड ले आइए, जब आप इन सबको एक साइड लाएंगे तो m a माइनस n a प्लस m स्क्वायर माइनस m d माइनस n स्क्वायर माइनस n d इज इक्वल टू जीरो, ये हम पास हो जाए। तो आपके पास क्या होगा, पहले वाले टर्म में से आप चाहें तो a कॉमन ले सकते हैं, बाद वाले में से d कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, अगर यहां से a कॉमन आएगा तो ये आएगा m माइनस n, यहां से अगर आप d कॉमन लेंगे तो ध्यान से देख लीजिए आएगा क्या, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इनटू d is equals to zero। अब ये जो हमारे पास दूसरा वाला ब्रैकेट है इसको थोड़ा ध्यान से आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास आएगा m minus n into a, इसमें थोड़ा सा ब्रैकेट करिए m square minus n square और इन minus m और plus n से minus common ले लीजिए m minus n into d
क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इन तीनों टर्म में से m माइनस n कॉमन हो सकता है, यस और नो? क्यों भाई, तीनों टर्म में से m माइनस n कॉमन हो सकता है? यस सर हो सकता है, यस सर हो सकता है, यस सर हो सकता है। अगर आप m, अगर आप m माइनस n कॉमन ले लेंगे तो इनसाइड आपके पास बचेगा a प्लस, क्योंकि ये जो आपके पास, ये जो आपके पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर था, इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक m प्लस n होता है, एक m माइनस n हो जाएगा सर। यस, तो यहां से m प्लस n यहीं पे बचेगा और यहां से आपके पास माइनस वन, वेरी गुड, और यहां d हमारे पास एज इट इज आएगा। तो अगर इस m माइनस n को अपॉन में ले जाते हैं तो हमारे पास जो रेस्ट आएगा वो आएगा a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू d। कोई मुझे बताएगा ये कौन सा टर्म है? a प्लस m प्लस n माइनस वन m प्लस n, a m प्लस n टर्म। यस, क्योंकि यहाँ n की जगह m प्लस n आ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू d। तो हमारा जो n है यहाँ पे m प्लस n है, तो यही टर्म हमें लाना था, m प्लस n टर्म इज जीरो। तो अगर कभी भी आपसे कह दे कि थ्री टाइम्स द थर्ड टर्म इज सेम एज फाइव टर्म, फाइव टाइम्स द फिफ्थ टर्म, तो आपको ध्यान रखना है एट टर्म विल बी जीरो, ध्यान रहेगा।